हाँ, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार, आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मैं बोल दूं कि दोस्तों, इसके बिना टेक्निकल एनालिसिस की ही नहीं जा सकती है। और जो बहुत से लोग जो गलतियां कर रहे हैं, मैं आज इस पे बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं चार्ट पे हूँ और निफ्टी के चार्ट पे हूँ। देखिए, बहुत से लोग का ये भी होता है कि किस चार्ट पे कौन सा काम करता है। मैं आज इस पे भी आपको बहुत ही आसान से और बहुत ही लॉजिक के साथ मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। बहुत से लोगों को होता है, सर क्या निफ्टी पे काम करता है, क्या बैंक निफ्टी पे काम करता है, क्या रिलायंस पे काम करता है, ये तमाम तरीके के जो क्वेश्चन है, मैं इसका भी लॉजिक के साथ जवाब देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, उस पर फोकस कीजिएगा कि इसको किस तरीका से करनी है। अब देखिए क्या होती है, सबसे पहली जो आती है बात, जो आती है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं जो बता रहा हूं दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। देखिए क्या होता है, सबसे पहला जो सबसे गलतियां हो रही है, सबसे पहला जो गलती हो रही है, ये क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि कोई आप एक सपोर्ट लाइन लगाते हैं या कुछ सपोर्ट लाइन, ये मान लीजिए कि ये सपोर्ट लाइन आपने यहां पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन है, राइट। आप ये सपोर्ट लाइन आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, काम ही नहीं कर रहा है। पहला क्या होता है, जिसका काम करता उसको क्या दिखता है, अब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको समझिएगा। मार्केट ऊपर से आता है, आता है, आता है, आता है, यहां पे आया, और जब मार्केट फिर से यहां पे आ जाता है दोस्तों, फिर से जब इस लेवल पे आ जाता है, जब से फिर इस लेवल पे आता है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जब फिर इस लेवल पे आ जाता है ना, मतलब यहां से नीचे गिर रहा था, गिर के यहां पे जब ऊपर गया, जब यहां पे चला आता है, तो आपको क्या पता चलता है कि भैया ये सपोर्ट लगाया। भैया ये चार्ट बनने की बात है, जब आप चार्ट यहां पहुंच गया, जब प्राइस यहां पे आता है, तो आपको यहां पे पता चलता है कि यहां पे आपको सपोर्ट लगा है। मैं बताऊं, 90% लोगों के साथ यही हो रही है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, 90% लोगों के साथ यही हो रही है दोस्तों, कि ये जब प्राइस ऊपर चला जाता है, तब उनको लगता है कि यार यहां पे तो सपोर्ट ले लिया, अब फिर इधर बाय करते हैं, यार वहां से तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो इसको सबसे पहला, तो इसके लिए करनी क्या है, अब इसका क्या, आपका क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए आप एक कर सकते हैं दोस्तों, कि आपको यहां पे क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आप एक कर सकते हैं कि जैसे कि आपको आगे क्या हुआ है, आगे क्या हुआ है उसको देखना ही नहीं है, पहली बात, आगे क्या हुआ है नहीं देखना है, आगे क्या हुआ हम लोग को देखना ही नहीं है। भैया हम लोग पास्ट की डेटा से फ्यूचर को प्रेडिक्शन करते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है, हम लोग पास्ट की डेटा से फ्यूचर को प्रेडिक्शन में लाते हैं, ठीक है, फोरकास्ट करते हैं। तो यहां पे जो गलती हो रही है, जो 90% लोगों की, चार्ट बनने के बाद जाकर देखते हैं कि यार यहां पे सपोर्ट लगा, यहां पे रेजिस्टेंस लगा, जो कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अभी का देखना है कि भैया अभी क्या होगा, अभी का जो प्राइस है, क्या इन फ्यूचर में ये सपोर्ट का काम करेगा, और जो आप सपोर्ट बना के रखे हैं, अगर मार्केट वहीं पे आता है और वहां से अगर ऊपर जाता है, आप तब आप प्रॉफिट बना सकते हैं। मींस कहने का मतलब क्या है, मैं इसको चार्ट पे भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीका से आप लोगों को काम करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप एक नए सपोर्ट बना लिए, अब ये सपोर्ट जब मार्केट ऊपर से आ रहा हो ना, जब ऊपर से आ रहा हो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया ये इस लेवल पे ही रुकेगा और यहां से ऊपर जाएगा, तब आप इसके इर्द गिर्द में बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। बट यार मार्केट यहां पे चला गया दोस्तों, जब मार्केट यहां पे चला जाता है, तो फिर आप क्या प्रॉफिट बनाएंगे, मार्केट तो ऑलरेडी इतना सारी चीजें कर चुका है ना, तो हां तो आपको प्रॉफिट का चांस ही कम जाता है। मतलब मार्केट जब ऊपर से आ रहा हो, तभी आपको पता हो जाना चाहिए कि किस लेवल पे जाकर रुकेगा, या मार्केट जब ऊपर जा रहा हो, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया इसी लेवल से इसको नीचे जाना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस लगाएगा, तभी दोस्तों आप एक प्रॉफिट बना सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है ऐसे प्रॉफिट बनाना। तो सबसे पहली बात, दूसरी बात, बहुत से लोगों का हम पे एक क्वेश्चन आ रहा था कि देखिए चार्ट को सर एनालिसिस करने का मैं तरीका बता रहा हूं ना, तो इसमें क्या, बहुत से लोगों के सर कैंडलस्टिक पैटर्न कभी तो काम करता है, कभी तो काम नहीं करता है। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, चलिए जैसे अब लोग क्या बोलते हैं यार ना, कैंडल को देखो, कैंडल को देखो, देखिए मैं आपको बता दूं, कैंडल को ही देखना है, क्या कैंडल को देखना है,
कैंडल के सिवाय बाकी कुछ नहीं देखना है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कैंडल के सिवाय, चार्ट के सिवाय आप लोग को कुछ नहीं देखना है। मतलब 9 बज रहा है, 9:15 हो रहा है, 9:16 हो रहा है, 9:18 हो रहा है, 9:20 हो रहा है, भैया ये कोई मतलब ही नहीं है कि 9:16 के नीचे सेल कर दो, 9:15 के ऊपर बाई कर लो। भैया ये क्या चल रहा है, एनालिसिस ऐसे नहीं होता है। दो कैंडल लगातार ग्रीन बन जाए बाई कर लो, दो कैंडल लगातार ग्रीन रेड बन जाए सेल कर दो, क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करनी है, आपको सीधा सीधा चार्ट को देखनी है। दोस्तों मैं एक चीज यहां पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो कैंडल बना है राइट, ये हम या आप देख पा रहे हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है राइट, यहां से लेके यहां तक क्या लिखा हुआ है ये बस हम और आप ही देख पा रहे हैं, कैंडल नहीं देख पाता है। कैंडल को नहीं पता कि ये किसका प्राइस नोट कर रहा है, निफ्टी का कर रहा है, बैंक निफ्टी का कर रहा है, आयसर मोटर का कर रहा है, हीरो मोटर का कर रहा है, रिलायंस का कर रहा है, किसका कर रहा है दोस्तों, इसको ये नहीं पता है। यानी कि जब भी हम लोग चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे उस समय मैं किसका चार्ट देख रहा हूं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि यह मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए, बस मार्केट में लिक्विडिटी है आपका काम हो गया। एक चीज और दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग क्या करते हैं ना कि इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको बंद कर दीजिए ना देखना, इसको बंद कर दीजिए देखना, क्योंकि बहुत से लोग आपको यहाँ पे गुमराह कर दे रहे हैं ना कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या करनी है वो चीज को समझ नहीं पा रहे कि भैया अगर जो चीज कैंडल बनता है तो कैंडल वो बनता है तो भैया वो हर जगह काम करेगा। हम लोग सिर्फ कैंडल को देखते हैं भैया, कैंडल के साथ उसकी प्लेसमेंट को देखना बहुत जरूरी है। क्यों, जो कैंडल बन रहा है उसका प्लेसमेंट क्या, किस जगह पे बन रहा है। कैंडल का महत्व तो तभी है जब उसको प्लेसमेंट के साथ, उसके स्थिति के साथ देखा जाए। बात समझ पा रहे हैं, मतलब कैंडल को जब आप उसके प्लेसमेंट के साथ देखेंगे कि उसका कहां पे स्थिति है, कहां पे बन रही है, तो वो कैंडल पैटर्न आपके लिए काम करेगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बहुत से लोगों को तो अरे यार बेरी सिंगल फिंग बन गया ना सेल कर दो, बेरी सिंगल फिंग बना सेल कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं आगे की देखना नहीं है तो छोड़ दीजिए। पहले क्या है यहाँ पे, अरे यार क्या बात है यार ऊपर से आ रहा है ये तो ऊपर जा, अरे ये तो यार जबरदस्त, यार जबरदस्त, क्या बेरी सिंगल फिंग, सॉरी क्या मारू बोजू कैंडल बना है, बेरिस मारू बोजू कैंडल बना है यहाँ पे, बेरिस मारू बुजू कैंडल बना है, लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा से सेल करने की कोशिश करेंगे। चलिए हुआ क्या है आगे, अच्छी बात है भैया काम किया, अच्छी बात है, मगर यहाँ पे भी तो ध्यान से देखिएगा, अरे यार क्या बात है, अभी तो और नीचे जाएगा, अभी तो और नीचे जाएगा, ये भी कैंडल बहुत अच्छा बना और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, मतलब अभी और नीचे जाएगा, क्या अभी और नीचे जाएगा। अब लोग क्या करेंगे, फिर से सेल करेंगे, यहां पे भी सेल किए वो छोड़ दिए होंगे, यहां पे सेल कर देंगे, क्या हुआ मार्केट तो ऊपर चलने शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक चीज मैं और बता, चलिए यहां पे दिन खत्म हो गया, अब आगे देखिएगा आगे क्या हो रहा है। अब ये देखिए, अरे यार बहुत अच्छा भैरम के साथ बहुत अच्छा कैंडल बना है, अरे यार मत पूछो आज तो बहुत ही नीचे जाने वाला, सेल कर दो सेल कर दो। इस तो यहां पे लोग बेरिस, सिर्फ एक बेरिस का कैंडल देख के, एक मारू बोजू कैंडल देख के और सेल करने लग गए। अब यहां पे अगर इस तरीका से जो ट्रेड करेगा, मैं बता रहा हूं, वो लॉस करेगा। क्या होगा कि देखिए मार्केट क्या हो गया, सीधा सीधा रिवर्स हो गया। अभी तक तो यहां पे सही था ना, अभी तक तो यहां पे सही था, अभी क्या हो गया, बात को समझ पा रहे हैं। तो भैया कैंडल को साथ साथ उसकी प्लेसमेंट को देखना बहुत जरूरी है। आप लोग बोलेंगे अरे तो निफ्टी का ऐसा हुआ था, उस दिन न्यूज आ गया था, ऐसा हो गया था, भैया ये सारी चीजें पे आप थोड़ा सा फोकस कम करके आप चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए ना, ये जो चार्ट का जो पैटर्न बन रहा है, जो वेव बन रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए ना। न्यूज आ गया, ये आ गया, अरे भैया उसको थोड़ा सा अलग रख लीजिए और इस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। आप देखिए आप टेक्निकल एनालिसिस सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं। जैसे मैं आपको और दिखाता हूं, मैं चलिए एक मैंने फॉरेक्स का पेयर लेकर बैठा हूं, क्या होगा फॉरेक्स में अलग काम करेगा। अब क्या होगा मैं उसका बता रहा हूं, अरे यार ये तो पूरा अच्छा से ऊपर जा रहे यार, ये तो लगता है रिवर्सल हो गया, अरे यार क्या हायर हायर हाई लगाना शुरू कर दिया भाई, क्या हायर हाई लगाना शुरू कर दिया लो, और यार ये तो यार इन्वर्टेड। अब इधर पे लोग सेल करना सोचेंगे,
यार इधर तो सेल करना सोचना शुरू करेंगे तो इधर पे कोई सेल करना शुरू करेगा। अरे 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 नहीं 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 यार, तो यार ऐसा हो गया है कि इसको अब ऊपर ब्रेक कर दिया है, यानी कि अब तो यार ये ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं आया। एक कैंडल पैटर्न बनने के बाद भी नीचे नहीं आया। अब इसको जब ऊपर जा रहा है, देखो वॉल्यूम से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, और क्या कैंडल क्लोजिंग दिया है यार, क्या कैंडल क्लोजिंग दिया है। इस तरीका से लोग बात करने लगते हैं, और जब इस तरीके से बात करते हैं ना, यही सबसे बड़ी गलती है। पर ये तो देख लो भैया कि वो जो उसका कैंडल बन रहा है उसका प्लेसमेंट कहाँ पे है। सिर्फ ऐसा कैंडल बन गया यहाँ सेल कर दो, इसका यहाँ पे कैंडल बन गया, एक इंडस्ट्री पैटर्न बन गया यहाँ पे बाई कर लो, भैया ये चीज नहीं है मार्केट में। उसका प्लेसमेंट जिस तरीका से एक जो क्रिकेटर होता है ना, शॉट खेलता है उसको प्लेसमेंट करने पर रिवार्ड मिलता है, उसको गैप में जब बॉल मारता है तब उसको 4 रन मिलता है। उसी तरीका से कैंडल भी है दोस्तों, आपको उसकी प्लेसमेंट को समझनी पड़ेगी। जब आप उसकी प्लेसमेंट को समझ पाएंगे तब आप उससे रिवार्ड ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, और आप देखिए, और यार इसने हाई को ब्रेक कर दिया, अब लो अब लो अब देखो क्या हो गया, लो 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 अब क्या हो गया, लो ये तो ऐसे हो गया। मार्केट में कुछ भी हो जाता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार आपको बताता हूं, मार्केट में कुछ भी हो रही है, कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक है, रीजन है। बिना लॉजिक बिना रीजन के कुछ नहीं हो रहा। मैं तो अभी आपको फॉरेक्स पे दिखाया ना, मैं अपने स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि भैया दुनिया में कोई भी चार्ट हो खोलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते लिक्विडिटी होनी चाहिए, बल्कि फिर करो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस चेंज थोड़ी चले करेगा भैया, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी है। टेक्निकल एनालिसिस भैया चार्ट टू चार्ट चेंज नहीं कर सकता। मतलब दोस्तों यहां से एक बात समझ लीजिए कि जो आपको निफ्टी में काम करेगा, जो आपको बैंक निफ्टी में काम करेगा, वही रिलायंस में काम करेगा, वही टाटा स्टील में काम करेगा, मतलब ए टू जेड में काम करेगा। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, स्किल सीखने का यही बेनिफिट है कि आप दुनिया का कोई भी मार्केट में जाके बैठ के प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं वो आपको समझ में आया होगा, और आप यहां से इस तरीका से चार्ट देखेंगे, आप अभी देखेंगे कि हाँ, और उस पे आप आगे की फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। आप चार्ट टू चार्ट आप अपने एनालिसिस को नहीं बदलेंगे कि भैया यहाँ पे इंडिकेटर काम करता है, यहाँ पे इंडिकेटर काम नहीं करता है। ये तमाम तरीके की जो चीजें हैं आज के इस वीडियो देखने के बाद आप भूल जाएंगे, और आप सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे आप अपने चार्ट को रीडिंग करने में समय देंगे, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीका से दोस्तों आपको काम करनी है। और दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, अब कौन सा क्या लोग बोल रहे हैं क्या नहीं, मेरा अपना पर्सनल जो ओपिनियन है मैं वो बता रहा हूं आपको। तो इस तरीका से आप लोग को समझना है कि भैया यहां पे देख के, अब सोचिए ना, आपको यहां पे देख ले और अब बोले कि यार यहां पे रेजिस्टेंस लगा, क्या मतलब निकलेगा, उसको प्रॉफिट कौन बनाया होगा? प्रॉफिट वो बनाया होगा जो ये जो ऊपर जा रहा था, यहां से ऊपर जा रहा था, जो इधर प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि यार शायद इसके इर्द गिर्द में रेजिस्टेंस लगाएगा और उधर पे सेल करके प्रॉफिट बनाया होगा। जो यहां पे देखा होगा, जो इधर नीचे देख के ही क्या कर लेगा, जो इधर अब इधर जो देख के ही अब कहेगा क्या यहां पे रेजिस्टेंस लग गया, अब इधर पे सेल करोगे या कहां पे स्टॉप लॉस है आपका, बात समझ रहे? रोहित जबरदस्त तरीके से नीचे गिरा तब आपको इतना दिख रहा है ना। तो इन सारी बातों को आपको समझने की कोशिश करना है, जानने की कोशिश करना है दोस्तों। यहाँ पे आपका इमोशन, आपकी जो लोगों ने जो आपके जो बोल रहे हैं ना कि हाँ इससे ऐसे कर लो, भैया यहाँ पे आप अपने माइंड को ओपन कीजिए, आप प्रैक्टिकलिटी में समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकलिटी माइंड में आइए, इमोशन और आप सपने के दुनिया में मत रहिए दोस्तों। तो उम्मीद है कि जो आप मैं वीडियो बनाया, जो आप लोग को समझाने की कोशिश किया वो आप समझ पाए होंगे, और आगे से आप इसी तरीका से सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बता दीजिए, जो पीछे कमेंट किए मैं उस पर वीडियो बारी बारी से बनाता जाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट का दोस्तों ये दो वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो इस दो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको और टेक्निकल एनालिसिस सीखने में मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।